Hello everyone, welcome to our channel Geo for Geography, and this is Akshay Guru. So today I'm here with again one strategy video that just to help you guys for the purpose how to approach for the next 20-25 days for the purpose of UPSC preliminary examination. Because see, I have been asked by many students sir, how to approach this next 20-25 days or 1 month almost, because I got somehow delay actually for this matter. So I'm much sorry for this, but still सी कि अब क्या है जो अभी हमारे पास जो क्रूशियल टाइम बचा है 2025 डेज. सो हाउ वी आर सपोज टू अप्रोच दिस नेक्स्ट 2025 डेज आज इन. सो सी नाउ व्हाट आई पर्सनली फील दिस 2025 डेज आर एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर दस. वन थिंग दैट यू गाइस शुड रिमेंबर सी दैट वॉट एवर यू हैव लर्नड लाइक टिल दिस मोमेंट इतना ही है जो अब एग्जाम में जाएगा. अगर आप सोचोगे कि नाउ यू कैन चेंज द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 2025 डेज, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बिलीव मी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि इतना चेंजेस नहीं होगा. द रीजन बीइंग सी नाउ द एग्जामिनेशन, ये ऐसी एग्जामिनेशन है कि जहां पे आपको यू आर नॉट सपोज टू ओनली प्रेजेंट योर नॉलेज, यू आर सपोज टू अप्लाई योर नॉलेज. एक्चुअली क्वेश्चंस आर रादर अप्लीकेशंस ऑफ योर नॉलेज. सो इन सच अ केस जहां पे अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होता है, तो पहले किसी चीज को असिमुलेट करना होता है, राइट. सो असिमुलेशन is that I believe a key actually to solve those questions in the examination. So देखो UPSC जो अभी prelims होनी है हमारी, that will be held on 26th of June. It means almost 20-25 days है हमारे पास, जब तक ये video upload भी हो जाएगा, almost the same time duration you will find. तो अब इस जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास, इसको कितना बेस्ट यूज कर सकते हो, जिससे देखो अल्टीमेटली जो हमारा जो डिफरेंस होगा, है ना. देखो वैसे भी आई फील के कट ऑफ में और आपके जो नॉलेज बेस में, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस यू नो व्हाट एक्चुअली इट मेक्स ओवर हियर इज व्हाट, हाउ यू स्ट्रेटेजाइज यूर सेल्फ, हाउ यू प्रिपेयर जस्ट अकॉर्डिंगली, सो दैट वो जो गैप है 2, 5, 10 या 15 मार्क्स का, वो गैप आप कवर कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट जस्ट टू हेल्प यू गाइज कि आपको उस 20-25 डेज में फिर कैसे चीजें करनी है. देखो अब इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये ऐसे ही करना है, वैसे ही करना, ये नहीं. सी इट्स अगेन विद अ डिस्क्लेमर, इट्स दैट यू गाइज शैल डिसाइड राइट व्हाट सूट्स यू. अगर ये होगा कि अगर आप मैंने जैसे बोला है पता चले वैसे ही करोगे, और वो फुल्ली इंप्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा, इन दैट केस यू नो दैट वुड लीड टू ए कन्फ्लिक्ट, राइट. तो इसीलिए आपकी जो ऑलरेडी प्लान बना रखे है, उसमें अकॉर्डिंगली क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस एडवाइस ऑफ मी. सो यू गाइज आर सपोज टू फॉलो दैट पर्टिकुलर वन. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हाट नाउ सी, मैं अभी स्टार्ट करूंगा एक्चुअली विद द डोंट्स. दैट जनरली यू नो इन दैट वीडियो और लाइक से इन जनरल एडवाइस जनरली स्टार्ट होगा डूज से, बट आई पर्सनली फील कि डोंट से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जिस क्रूशियल मोड ऑफ टाइम पे है, इन सच कंडीशन वी आर नॉट सपोज टू फॉलो एग्जैक्टली कि वो डूज वाला क्या केस है. एक जो क्रिटिकल एस्पेक्ट मुझे लगता है डोंट्स में आना चाहिए, दैट वॉट यू आर सपोज टू अवॉइड reading any new resource, any new resource I am talking about. See, because see whatever ये जो केस था जिसना हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उतना ही है जो हम एग्जाम में अब रिप्लीकेट कर पाएंगे. बिकॉज इट्स दिस एग्जामिनेशन एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज, है ना, इट्स अबाउट द अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. अभी अप्लीकेशन कब होता है नॉलेज का, जब आपके पास उसका प्रॉपर असिमिलेशन भी हो. नाउ द केस विद दिस 2025 डेज सिंपली लाइक इज दैट इफ यू गो एंड फॉलो राइट, कोई न्यू सोर्स है, तो इस न्यू सोर्स का आपसे असिमिलेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, है ना. साइकोलॉजी और हाउ माइंड वर्क्स ऐसे ही वर्क करता है. जब उसका असिमिलेशन नहीं होगा, तो उसके जो अप्लाइड क्वेश्चंस है या जो इवन थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, वो कॉन्सेप्ट भी सही से समझ नहीं आएगी, तो वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देगा. इट वुड रादर लीड टू कंफ्यूजन आई वुड से, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ी तो है यार, पर याद ही नहीं आ रही. तो अननेसेसरी ऐसे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, यू विल रादर एंडेड अप इन टू बींग अटेम्प्टिंग निगेटिव.
negative. So any new source, I'm talking about any reference book. I'm equally talking about any current affair sources. है ना? हाँ, न्यूज़पेपर रीड करना है, फाइन विथ, राइट? बट अगर कोई मैगजीन रीड कर रहे हो कि बहुत सारा ही केस बचा है और उसको सारे को अगर आपको पढ़ना है, तो डोंट डू इट नाउ, बिकॉज अगेन जैसे जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है और इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको पूरा करंट अफेयर्स आना चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी इज अगेन लुकिंग फॉर यू नो ए थ्योरेटिकल बेस एंड फाउंडेशन ऑफ योर्स. सो दैट इज व्हाट, सी what I believe is a don't that you everyone shall follow, should follow, right? क्योंकि अगर कोई नया सोर्स अब पढ़ोगे, believe me, that is not going to help you in unexpected manner. तो don't swallow, right? अब उसके बाद what I feel that what do's you are supposed to follow, right? इसमें मैं आपको do's और don'ts के बाद में ना एक टाइमलाइन डेट वाइज भी कुछ चीज़ें बता दूंगा, जस्ट इन अ क्विक सक्सेशन. आई एम ट्राइंग लुकिंग फॉर कि वीडियो ज़्यादा इलैबोरेटिव भी ना हो. बट डूज में व्हाट यू नीड टू कीप एज मच रिवीजन, राइट, एंड रिकॉलिंग एज पॉसिबल. सी, कोई भी नॉलेज कब यूज हो पाएगा, व्हेन यू गाइज विल बी यूजिंग इट्स, you know, you are now, your mind is much familiar with this knowledge. Reuse or recycle, हमको दोनों भी चीज करनी है, recalling भी करनी है of that particular knowledge. तो जितना इस चीज को revise करोगे, जितना इस चीज को recall करोगे, that will help you कि आप उस knowledge को timely exam में भी recall कर सकते हो, equally उस knowledge को apply भी कर सकते हो. So do's में सबसे ज्यादा अभी जो time होना चाहिए आपका, majority, right, or most of your time, it should be for this two aspect, revision and recalling. Jitna zyada kar sakte ho utna zyada karna. Again equally look for what, the mock test jo aapne solve ki hai and their analysis as well. राइट, एनालिसिस जो आप वैसे भी कर ही रहे होगे आई होप, क्योंकि मॉक टेस्ट का अगर एनालिसिस नहीं कर रहे तो मॉक टेस्ट कोई सेंस ही नहीं बन रहा, जस्ट टू सॉल्व देम. सो डू एंश्योर दिस फैक्ट दैट मॉक टेस्ट, देयर सॉल्विंग एंड देयर एनालिसिस इक्वली नीडेड ओवर हियर. सो मॉक टेस्ट सॉल्व ही करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है दिस वे, बट फिर भी आपको इसमें कुछ लिमिटेड, अभी भी कुछ टाइम है हमारे पास में. आई विल बी अगेन हेल्पिंग यू कि डेट वाइज भी कुछ चीजें कर ले, हम स्लॉट वाइज भी इसमें कर सकते हैं. तो ये वाले देखो, आई बिलीव डूज वाले केस है कि आपको, एंड अगेन वन थिंग, यू हैव टू टेक adequate enough sleep, aligned yourself with the exam time. आप देखो guys, I know many of you are like night owls, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, night में study कर रहे हो, so that's fine with, that is pretty much common जब UPSC prepare करते हैं, है ना, या graduation कर रहे हैं. But believe me, कि अब क्या होगा ना, अगर आपका mind अगर ये है कि night study कर रहे हो, तो during the time of exam, जबकि 9 to 12, आपका, sorry, 10 to 12 paper होगा, 9 to 11 और then उसके बाद 2 to 5, so in case में 3 to 5 in fact. तो इस केस में क्या होगा, आपका माइंड उतना अलर्ट और एक्टिव नहीं रहेगा, अगर आप यू आर नाउ हैबिचुअल विद दिस. नाउ इट्स राइट टाइम आई बिलीव कि अब आपको आपका बॉडी साइकिल चेंज करना पड़ेगा. सो अगेन अलाइन योरसेल्फ कि अब 9 टू जो पेपर के ड्यूरेशन से उसमें फुल्ली एक्टिव रह रहे हो, राइट, सो दैट आपको बाय द 20-25 डेज, लाइक व्हेन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका बॉडी साइकिल फुल्ली उस पेपर से अलाइन हो चले, है ना, एंड दैट विल, बिलीव मी, विल हेल्प यू एट लीस्ट टू अवॉइड silly mistake, unnecessary silly mistake, I would say, and equally, you know, you, that will be boosted again 5 to 10 marks of yours. So this is again based on my personal experience, guys. So ek bar is cheez pe karna, do's and don'ts as I already mentioned. Dekho, now guys, our target is 16th of June. Ab is 16th of June ko how we are going to divide then, right? Now we are at jo bhi date hai hamari aaj, hai na, like 20th, 2nd, 23rd, 24th of May. तो इन दिस केस व्हाट, अब हमारे पास में कुछ टाइम ड्यूरेशंस है, इस टाइम ड्यूरेशंस को हमको इफेक्टिवली यूज करना. तो आई एम कंसिडरिंग कि 25th of May से हम क्या करेंगे, से
अप टू फर्स्ट ऑफ जून, फर्स्ट ऑफ जून व्हाट इट्स रिकमेंडेड टू यू। अगर आप इन बिटवीन भी कोई वीडियो देख रहे हो तो आप वहां से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू गाइस। सो व्हाट इसमें क्या कर दो कर सकते हो आप, कुछ चीजें करनी है आपको, रिवाइज एंड रिकॉल, नए सोर्सेस तो रीड करने ही नहीं है, एंड सॉल्व एवरी डे, है ना, ऑन लाइक दैट एग्जाम टाइम में टू मॉक टेस्ट, सीसैट का भी और जीएस का भी, सीसैट भी और जीएस भी, क्योंकि अब देखो माइंड हमारा अलाइन होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। तो लाइक इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 24th of May टू 1st of June, यू शैल लुक फॉर सी टू रिवाइज एंड रिकॉल एज मच एज पॉसिबल जो आपने पढ़ रखा है, नया सोर्स नहीं कर रहे हम, एंड इक्वली सॉल्व एज लाइक टू टेस्ट एज इन, जो कि एग्जाम टाइम में ही अकॉर्डिंगली होगा। तो आई बिलीव कि 5-6 आपके 5 to 6 days है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 1st, तो अभी भी 8 to 9 days है। उसमें अगर आपने पेयर से स्टार्ट भी कर दिया 15 टेस्ट इफ यू एबल टू अटेम, राइट, ऑलमोस्ट अराउंड, दोनों भी कुल मिला के बोल रहा हूं मैं, तो दैट इज यू नो ए मोरल दैट यू विल फाइंड काइंड ऑफ ए एडवांटेज फॉर यू, मोरल इन अ सेंस दैट इज काइंड ऑफ ए एडवांटेज फॉर यू दैट यू गाइज विल बी यू नो एक्सपीरियंसिंग दैट। अब इसके बाद क्या है, देखो 1st of June से 10th of June, 1st of June से 10th of June, नाउ वॉट यू शैल लुक फॉर कि जो आपने ऑलरेडी आपके पूरे जो नोट्स है इसकी फिर से रीडिंग एंड रिविजन, राइट, आई एम टेलिंग यू, सी आप ये फिर से देखोगे कि रीडिंग और रिविजन पे इतना फोकस है। सी जो भी आपने नोट्स बनाया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक एंड पी वाई क्यूज एज वेल, राइट, तो इसमें आपको क्या करना है, इनकी रिपीटेटिव रिविजन मच नीडेड। अब जो पी वाई क्यूज के साथ करना था वो आपने कर दिया, उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे, ट्रेंड समझना था, सारी कुछ चीजें, नाउ यू वर सपोज टू डू लाइक कंप्लीट अप टू दिस पर्टिकुलर मार्जिन, राइट। हाउएवर नाउ इट्स ओनली अ केस फॉर कि आप पी वाई क्यूज का रिविजन कर लो और जो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने गैदर कर रखी है दैट एज वेल, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट लाइक 1st to 10th of June यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर स्टफ। इसके बाद क्या होगा, देन जो मॉक टेस्ट है हमने सॉल्व किए है ना, सॉल्व मॉक टेस्ट एंड देयर रिवीजन। देखो मैंने यहां पे 3 टास्क ऐड किए हैं, इन अ सेंस कि पहले हमने जो नोट्स और बुक्स जो खुद के बनाए हैं वो हम रीडिंग करेंगे, रिवाइज करेंगे, इक्वली पी वाई क्यूज रिविजन, उसमें कुछ नया नहीं देखना है। वॉट वी हैव टू लुक फॉर दैट पी वाई क्यूज रिविजन एंड देन सॉल्व मॉक टेस्ट एंड देयर रिविजन। कि मॉक टेस्ट जो हमने अभी तक गए दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सॉल्व किए है, उसमें कुछ नॉलेज बेस बढ़ा है, उससे कुछ हमने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए, ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू रिवाइज एंड रिकॉल, राइट, ऑन रेगुलर बेसिस। क्योंकि इतना हमने एफर्ट्स लिए टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, दैट एफर्ट शुड नॉट गो इन टू वैन, इट्स नॉट गो यू नो लाइक रिमेन सम हाउ फ्यूटाइल और यूजलेस। तो इसकी भी रिविजन करनी है जिससे आपको कुछ सेट्स ऑफ नॉलेज आएगा, बिलीव मी, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, फाइन, या क्योंकि यहां से भी करंट अफेयर्स आपका होगा अगर आपका कुछ एरिया छूट गया है तो, ठीक है। 1st of June, 10th of June, नाउ फॉर द नेक्स्ट 10th of June टू 14th of June, वॉट टू नेक्स्ट 14th of June लुक फॉर कि आप फिर से बेसिकली क्या कर सकते हो, रीड, जस्ट सिंपली इफ रियली पॉसिबल, ओके, वॉट यू नीड टू लुक फॉर फिर से पी वाई क्यूज वाला केस, पी वाई क्यूज वाला रिविजन। देखो फिर से, क्योंकि पी वाई क्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पी वाई क्यूज का रिविजन वो कर लो, जितने ज्यादा उसको समझ पाओगे दैट वे, एंड इफ यू फाइंड कि कुछ एरियाज जो आपने लेस प्रिपेयर कर रखा है ना, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा नए से बनाना है, नए से कोई सोर्स नहीं पढ़ना है, बट वॉट इफ यू फाइंड कि यार ये जो पर्टिकुलर केस था ना यार, ये मेरे से ना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था यार, याद ही हिट बजट है, या इफ यू फाइंड मे बी इन पॉलिटी आर्टिकल्स है, या इफ यू फाइंड कुछ ऐसी चीजें जो क्या लगता है ना हमको कि 2 दिन में मैं इसको याद कर लूं और इसको एग्जाम में जाके अगर रख दूं तो दैट वुड बी यू नो वेरी इजी। इन दिस वर्ड यू गाइस आर सपोज टू डील इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, राइट, 10th of June, राइट, 11th of June आई वुड से, 10th of June तो ये था, तो 11th of June
टू 14th of June जो भी आपके पास 3-4 दिन बने हैं, दैट वॉट यू नीड टू अगेन रिवाइज द PYQs, और जो आपके लेस प्रिपेयर्ड एरियाज थे जो आपने कभी लेटर करने के लिए रखे थे, है ना, दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि एग्जाम से पहले करूंगा, सो नाउ इट्स राइट टाइम कि वहां पे उसको एड्रेस कर सकते हो. एंड देन फॉर वॉट लाइक 14th and even 15th of June आई वुड से यू आर सपोज टू डू नथिंग. Nothing. Yes. Be relaxed. Like be chilled as possible. कि जितना easy उस चीज़ों को लोगे उतना ही है, क्योंकि देखो आप दो दिन में कुछ बहुत ज़्यादा खास आप वैसे भी करने वाले हो नहीं, right? It's just because if you are going to read again any new current sources, that won't be helping you even on this count. So, or any reference book further. So, do nothing. Just be relaxed as possible. अगर कुछ चीज़ें लग रही है तो कुछ audio based या कुछ चीज़ें सुन सकते हो. Again, keeping in mind कि वो आपको आपका confidence lose ना करे. Because, see, I believe in this particular frame and on 16th, right? Take enough nothing, take enough sleep, right? Enough sleep you need to take. बॉडी आपकी रेस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो जितनी बॉडी आपकी रिलैक्स होगी, जितना माइंड रिलैक्स होगा, बिलीव मी एग्जाम टाइम में ये सारी कुछ चीज़ें आपको इफेक्टिवली रिकॉल भी होगी और इफेक्टिवली हेल्प भी करेगी टू कीप योरसेल्फ अलर्ट एंड अगेन अप टू द मार्क ऑन द एग्जामिनेशन लेवल. सो 16th of June एनीवे दैट इज व्हाट अ बॉक्सिंग डे. तो ओवर ऑन दिस डे व्हाट आई विल विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, एग्जाम में भी ट्राई करना. इसके लिए मैं सेपरेट और भी वीडियो बना दूंगा वैसे, कि उस टाइम में फिर आपको क्या करना है, मॉर्निंग टाइम में जो भी है जितने चीज़ें अर्ली मॉर्निंग हो सकता है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम भी देखना है इसमें अगर पॉसिबल हो, राइट. इफ़ यू गाइज आर बेसिकली यू नो लाइक हैविंग ए सेंटर अवे फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, तो इससे पहले एक मॉक ड्रिल भी हो सकती है, राइट. जनरली व्हाट वी यूज टू डू दिस मॉक ड्रिल, कि पता होना चाहिए हमको कि हमारा सेंटर कितने दूरी पे है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर सी अगर व्हाट इफ हैपन अगर सेंटर ज़्यादा दूरी पे है एंड यू इफ यू मिस कैलकुलेटेड कि यार पास से नहीं है, तो वहाँ जाके हसल ना हो चीज़ों की, या तो आपको रोल नंबर या क्लासरूम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा ना, माय मेंटल स्टेबिलिटी पे इंपैक्ट करेगा. और देखो यहां पे की ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है, की इज रादर इक्वली यू नो स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड. तो जितनी स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव है. बाकी इस डे के लिए कैसे करना है आई विल हेल्प यू फर्दर, ओके, हैविंग ए डिफरेंट वीडियो, बट यस ऑन द 16th दिस वे. एंड वन थिंग अगेन, राइट, अगेन अंडर द डोंट, राइट, एट द एंड डोंट्स में मैं एक फिर से चीज ऐड करूंगा, व्हाट डोंट डिस्कस अननेसेसरी थिंग विथ योर यू नो लाइक इन ग्रुप. क्यू द रीजन बींग, नाउ यू विल बी लाइक सर ग्रुप स्टडी तो हम वैसे भी करते, तो ग्रुप स्टडी फिर क्यों अवॉइड करनी है. सी व्हाट हैपन, अगर बेसिकली अगर किसी क्या है कि आप ग्रुप में स्टडी करो, दैट्स फाइन विद, बिकॉज यू नाउ ऑल गाइज आर हैविंग गॉट ए कॉमन सेम टेम्पो एज वेल, यू नो एवरी ईच अदर. बट अगर किसी और इंडिविजुअल के साथ अगर डिस्कस करोगे तो क्या होगा ना, यू डोंट यू नेवर नो, राइट, कि वो किसी एक पॉइंट पे मे बी इट इज रियली नॉट एक्सपेक्टेड नीडेड एक्चुअली फॉर द UPSC, बट अगर उस पॉइंट पे अगर उसने आपको डिमोटिवेट कर दिया कि यार तुझे इतना भी नहीं पता यार, मतलब तूने तो क्या ही प्रिपेयर किया, क्या होगा ना, देखो इससे माइंड पे ना एक मतलब एक बर्डन आ जाएगा, एक स्टेबिलिटी जो हमारी इतनी हमने मेंटेन की है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा. सो एंड बिलीव मी ये डिस्कशन आपको हेल्प नहीं करेगा, एटलीस्ट just don't avoid the discussion, like at least someone like who you feel ki jiske sath abhi tak aapne preparation nahi kiya hai na, to don't avoid discuss this particular thing in that particular way ki jisse aapki mental stability aur bhi disturb ho. So this is what I feel ki you guys shall follow in terms of right the next 20-25 days. Believe me guys, dekho agar अब क्योंकि यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा आपके नॉलेज बेस में, नॉलेज लेवल में. व्हाट आपको जो चीज़ आपके पास है उसी चीज़ को सी यू गाइस शुड एबल टू यूटिलाइज इट इन इफेक्टिव वे. एंड दिस 2025 वन मंथ ऑफ टाइम फ्रेम आई बिलीव इज रियली क्रूशियल ऑन दिस काउंट, कि जो आपको से 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स का एक लीड दे सकता है ना. सो यस आई बिलीव दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑन दिस काउंट. I wish you all the best. I wish you again keep you be calm, be confident, right? And yes, always try to revise and recall those stuff at least for the next few days. So yes, if you really want any further video, so let me know in the comment box. So फिर हम इस पर accordingly बनाएंगे. मैं एक और video बनाऊँगा just like for the that exactly at the Boxing Day, the 26th of June पे आपको और चीज़ें कैसे करनी होगी. चलो thank you. And have a good time, guys.